हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं प्रभात कुमार सिंह और आज इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक, जो कि इंग्लिश लिटरेचर बुक है और जिसे एनसीईआरटी पब्लिश करती है सीबीएसई क्लास 10 के लिए। उसके फोर्थ चैप्टर को लाइन बाई लाइन एक्सप्लेन करेंगे हिंदी में, तो जिसका नाम है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। फ्रेंड्स, ये एनी फ्रैंक के द्वारा ही लिखा गया है। तो इससे पहले कि इसको मैं एक्सप्लेन करना शुरू करूं, ये मैं बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल पर आपको मिलता है सीबीएसई क्लासेस 8, 9, 10, 11 और 12 के लिए पब्लिश्ड एनसीईआरटी बुक्स के हर चैप्टर के वीडियोज, साथ में गुलमोहर रीडर पार्ट 7 और 8, जिसे ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशन पब्लिश करती है, उसके हर चैप्टर हर पोएम का लाइन बाई लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन और साथ में बिहार बोर्ड दैट इज़ इंटर 11th एंड 12th इंटरमीडिएट इंग्लिश, जो कि 150 मार्क्स का होता है, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको हमारे चैनल पर मिलता है। तो अभी से हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले एक और आखिरी बात कि आप अभी से हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, वरना आप चैप्टर में खो जाने के बाद इसे लाइक करना भूल जाएंगे और मुझे मेरा वेजेस मिलना रह जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के फोर्थ चैप्टर एनी फ्रैंक के द्वारा। तो एक ये लेफ्ट साइड में पहले इसकी तस्वीर है, एक उसको मैं पढ़ के बताता हूँ। इसके नीचे लिखा हुआ, दिस इज़ अ फोटो एज आई वुड विश माई सेल्फ टू लुक ऑल द टाइम, यानी वह एक ऐसी तस्वीर है जिसे मैं हर समय देखना पसंद करूँगी। देन आई वुड मे बी, और हाँ, ये देखती रहूँगी तो क्या होगा, मे बी हो सकता है हैव ए चांस टू कम टू हॉलीवुड, क्योंकि ये मेरी कितनी क्यूट तस्वीर है कि इसको मैं देखती रहूँगी, शायद मैं जो है सो हॉलीवुड में आ जाऊँ। एनी फ्रैंक ने ये लिखा था 10 अक्टूबर 1942 को। अब जानते हैं इसमें एनी फ्रैंक के बारे में। ये चलिए अब बिफोर यू रीड पढ़ते हैं। एनालिजा है ना, एनालिजा यानी एनी, जिसको हम शॉर्ट में पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में, तो उसका पूरा नाम एनालिजा मारी है ना मैरी, यानी कि एनी फ्रैंक है ना, जिसका जन्म 12 जून 1929 को हुई थी, फेबरवरी मार्च महीने में 1945 में, वॉज जर्मन, वो एक जर्मन थी, बॉर्न जीविस गर्ल, जर्मन थी और जीविस थी, यहूदी थी, मतलब क्रिश्चियन जीविस ये सब होते हैं ना, और रिलीजन कह लीजिए, तो गर्ल थी, हु रॉट वाइल इन हाइडिंग विथ हर फैमिली, ये लिखी थी, कब लिखी थी, जब वो छुपी हुई थी, हाइडिंग थी अपने फैमिली के साथ, एंड फोर फ्रेंड्स इन एमस्टरडम ड्यूरिंग द जर्मन ऑक्यूपेशन ऑफ द नीदरलैंड्स इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दरमियान नीदरलैंड्स में जो है ये अपने चार दोस्तों और फैमिली के साथ, एक्चुअली जीविस लोगों पे उस समय हमले हो रहे थे, तो ये लोग अपने हाइडिंग प्लेस में छुप गए थे पिताजी के ऑफिस में, तो उसी के समय का या उसी में ये लिखी थी डायरी है ना। हर फैमिली हैड मूव टू एमस्टरडम आफ्टर द नाजीज गेंड पावर इन जर्मनी, क्योंकि नाजी लोगों का जो है वही जो हिटलर था है ना, तो जिसका मुखिया, तो वो जब उन्होंने जर्मनी को अपने पावर में ले लिया, बट वर ट्रैप्ड व्हेन द नाजी ऑक्यूपेशन एक्सटेंडेड इनटू द नीदरलैंड, वो फंस गए जब वो नीदरलैंड्स तक उनका पावर आ गया, एज प्रोसिक्यूशंस, यानी प्रोसिक्यूशंस मीन्स होता है उत्पीड़न, यानी प्रताड़ना कह लीजिए, अगेंस्ट द जीविस पॉपुलेशन इंक्रीज, वो जो है बढ़ने लगी जब है ना, इनको प्रताड़ित करते थे, द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942, तो वो सब जो है वो हाइडिंग में चले गए, यानी छुपने की जगह में चले गए 1942 में। देखिए अभी 1942 का ही ये ऊपर पिक्चर में जो लिखा हुआ था है ना, हालांकि ये है कि वो 10 अक्टूबर को था, अभी ये जुलाई की ही बात हो रही है। इन हिडन रूम्स ऑफ हर फादर, उस अपने पिता के है ना ऑटो फ्रैंक, यानी के फादर का नाम ऑटो फ्रैंक था, ऑटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग, उसके ऑफिस बिल्डिंग में, आफ्टर 2 ईयर्स इन हाइडिंग, सोचिए 2 वर्ष तक वो हाइडिंग में ही रहना पड़ा, द ग्रुप वॉज बिट्रेड है ना, वो चिन्हित किए गए यानी उनको देखा गया, एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड, जहाँ पर कि एनी मर गई जी, बच्ची मर गई ऑफ टाइफस है ना, टाइफस से इन है ना बर्गेन बेल्सन विद इन डेज ऑफ हर सिस्टर है ना, वो जगह है बर्गेन बेल्सन है ना, डेज ऑफ हर सिस्टर मार्गरेट फ्रैंक, हाँ मार्गरेट फ्रैंक उसकी बहन थी है ना। हर फादर ऑटो द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप रिटर्न टू एमस्टरडम, बस है ना, अच्छा यानी उसकी बहन भी मर गई थी, माँ यानी कि माँ की कोई चर्चा नहीं है, माँ थी नहीं, यानी कुल मिलाकर के सिर्फ उसके पिताजी ही वहाँ से उस कैंप से लौट करके फिर गए थे, क्योंकि वही एकमात्र सर्वाइवर थे आफ्टर द वॉर एंडेड, टू फाइंड दैट द डायरी हैड बीन सेव्ड, और हाँ लेकिन डायरी जो लिखी थी वो बच गया था, और कन्विंस्ड दैट इट वॉज ए यूनिक रिकॉर्ड
क्योंकि उनको लगा कि एक यूनिक रिकॉर्ड है, यानी ही उसके पिता ही टुक एक्शन टू हैव इट पब्लिश्ड इन इंग्लिश अंडर द नेम ऑफ द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल, कि ये डायरी ऑफ ए यंग गर्ल के नाम से उन्होंने पब्लिश कराने की सोची। यंग यंग मीन्स आपको मैं कई बार बताता था, यंग मीन्स युवा भी, यंग मीन्स छोटी भी, यहाँ डायरी ऑफ ए यंग गर्ल यहाँ यानी कि एक छोटी बच्ची की डायरी। द डायरी वॉज गिवेन टू एनी फ्रैंक टू हर टू फॉर हर 13th बर्थडे। ये डायरी को पब्लिश करा के उनके 13th बर्थडे पे ये सोचे थे कि देंगे। एंड क्रॉनिकल्स, क्रॉनिकल्स मतलब होता है कालक्रम में, कालक्रम से अभिलेखन करना, यानी मतलब वो डेट वाइज ये द इवेंट्स ऑफ हर लाइफ फ्रॉम 12 जून 1942 अंटिल इट्स फाइनल एंट्री ऑफ 1 अगस्त 1944। यानी वो सोचिए जून 12 जून 1942 से लिखना शुरू किया, 1 अगस्त तक तो उसको पब्लिश कराने का इन्होंने सोचा। इट वॉज इवेंचुअली ट्रांसलेटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल डच इनटू मेनी लैंग्वेजेज, यानी ओरिजिनली ये डच लैंग्वेज में, जिसका डच लैंग्वेज था उसमें था, लेकिन उसे ट्रांसलेट किए गए मेनी लैंग्वेजेज में एंड बिकेम वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट वाइडली रेड बुक्स, और ये विश्व के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले बुक्स में से एक हो गए। देयर हैव ऑल्सो बीन सेवरल फिल्म्स, टेलीविजन एंड थिएटरिकल प्रोडक्शंस, इसके बहुत सारे फिल्म बने, टेलीविजन पे आए, थिएटर में ये जो है प्ले हुए, एंड इवन एन ओपेरा, ओपेरा भी होता है वही, वो रंगमंच होता है, बेस्ड ऑन द डायरी, उस डायरी पे बेस्ड। डिस्क्राइब्ड एज द वर्क ऑफ ए मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड, मतलब ऐसा इसको देखने से लगता है कि एक मैच्योर माइंड थी जबकि वो तो थी बच्ची। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन, कि नाजी का जो ऑक्यूपेशन था, उसका जो मतलब आच्छादन था, जो उसने कब्जा कर लिया था, उसके अंदर कैसे कैसे जो है सो हर डेली लाइफ उसका बीत रहा था, उस सब का यहाँ पर के बारे में था। यानी फ्रैंक हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड ऑफ द होलोकॉस्ट विक्टिम्स, है ना। यानी एनी फ्रैंक जो है वो हो चुकी थी क्या मोस्ट रिनाउंड, सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित एंड डिस्कस, सबसे ज़्यादा डिस्कस। होलोकॉस्ट मीन्स क्या होता है, जो यहूदियों पे अत्याचार हुआ था, है ना, जो यहूदी जो जैसे कैसे हम लोग इंडिया में सिख दंगे कहते हैं, वैसे जो यहूदियों के साथ जो विक्टिम्स थे उनमें सबसे ज़्यादा ये चर्चित कैरेक्टर हैं। तो अब यहाँ से शुरू है आपका। राइटिंग इन ए डायरी इज़ रियली अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी, यानी डायरी में कुछ लिखना एक स्ट्रेंज, एक अजीब अनुभव है, एक नया अनुभव है मेरे जैसे किसी के लिए। नो नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, क्योंकि इसलिए वो इसलिए कह रही है कि मैं इसलिए नहीं कि मैंने कुछ पहले नहीं लिखा है, बट ऑल्सो बिकॉज इट सीम्स टू मी दैट लेटर ऑन नाइदर आई नॉर एनी वन एल्स विल बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ ए 13-year-old स्कूल गर्ल, क्योंकि इसलिए नहीं बल्कि इसलिए भी कि मैंने पहले नहीं लिखा, ये तो एक रीज़न है, लेकिन दूसरा रीज़न ये भी है कि भाई कोई भी एक मेरे 13-year-old यानी 13 साल की है वो, समझ गए आप, है ना, ये लिखते वक्त कि स्कूल गर्ल में भला क्यों कोई उसके बारे में म्यूज करेगा, म्यूज मीन्स चिंतन करना, उसके बारे में सोचना, विचार करना। ओ वेल इट डजेंट मैटर आई फील लाइक राइटिंग, लेकिन खैर इससे कोई मतलब नहीं है, है ना, मुझे तो बस जो है सो राइटिंग का मन है, एंड आई हैव एन इवन ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। और एक बड़ी बात ये कि मुझे जो है वो ग्रेटर नीड मुझे महसूस हो रही है, जो मेरे है ना ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स, सब कुछ जो भी मेरे बारे में सब कुछ लिखूं, है ना, माय चेस्ट, चेस्ट मीन्स केवल आप समझ लीजिए, चेस्ट मीन्स केवल छाती वक्षस्थल ही नहीं बल्कि खजाना, बक्शा, यहाँ पर खजाना जो मेरे खजाने में है, जो मेरे बक्से में है, जो मेरे दिल के अंदर है, मैं उन सबको निकाल दूँ। पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, और हाँ ये कह रहे हैं कि पेपर को बहुत पेशेंस है, यानी मतलब कहने का मतलब इसका ये है कि डायरी लिखते वक्त होता है ना कि आप किसी को अपनी कहानी सुनाओगे उसके पास पेशेंस नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या है कि पेपर को पेशेंस है, जो कुछ भी हम बताना चाहेंगे वो सीखेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग, अच्छा ये सेइंग ये याद कर रही है, नो वन यानी ये कहावत याद कर रही है, ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन आई वाज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस, जब मैं डिप्रेस्ड फील कर रही थी, एंड वाज सिटिंग एट होम विद माई चिन इन माई हैंड, जब आप सोच रहे होंगे तो क्या करते हैं, दोनों हाथों के बीच में अपना चिन, ये ठुड्डी, ये फेस को रख लेते हैं ना, जब बोर्ड हो जाए एंड जब लिस्टलेस हो जाए, लिस्टलेस का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ, विद नो एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी जब हम एकदम से बोरिंग फील करने लगे, वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और टू गो आउट, है ना, या तो हम अंदर रहें या फिर गो आउट हो जाएं या बाहर निकले, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ ना कुछ लिखने का मेरा दिल करता। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग, है ना, तब मुझे लगा कि मैं कहाँ हूँ, तो ब्रूडिंग हूँ, ब्रूडिंग मीन्स होता है विचारमग्न होना, मतलब थॉट में खोया होना। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, हाँ सही में पेपर को अधिक पेशेंस है, एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट
एनीवन एल्स रीड दिस स्टिप बैक्ड नोटबुक, क्योंकि मैं ना और मेरा कोई ऐसा प्लान है कि मैं लिख रही हूँ तो किसी के पढ़ने के लिए, ना 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 ना, इसको पेशेंस है, मैं किसको सुनाऊँ, है ना, हाल दिले बेकरार का, तो वही बात है कि किसको सुनाऊँ, तो मैं ये पेपर को पेशेंस है, मैं इसे सुनाऊँगा, है ना। तो वो कह रहे हैं कि कोर स्टिफ, स्टिफ मीन्स होता है रूखा भी, मतलब और करा भी, तो मतलब आप रुखा मतलब अजीब सा कोई पेंट वेंट तो होगा नहीं, बैक किया हुआ नोटबुक को भला कौन पढ़ेगा, ग्रैंडली रेफर टू एज ए डायरी, जिसको लोग डायरी कहते हैं, तो भाई पढ़ेगा क्यों, बस मुझे तो बस इसलिए लिखना है कि इसको पेशेंस है, ये मेरी कहानी सुनेगा, अनलेस आई शुड एवर फाइंड ए रियल फ्रेंड, है ना, जब तक कि मुझे कोई, अरे ये कब तक लिखूंगा, जब तक कोई रियल फ्रेंड ना मिल जाए, क्योंकि रियल फ्रेंड भी हमारी बातों को सुनेगा, उसके पास भी पेशेंस होगा, इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक ए बिट ऑफ डिफरेंस, शायद इससे कोई डिफरेंस जो है सो होगा। नेक्स्ट पैरा है, नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट, चलिए भाई अब मैं पॉइंट पे आती हूँ, दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप ए डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब जो है वो डायरी को फर्स्ट प्लेस पे रखने का जो बात हुआ वो उस पॉइंट पे आता है, आई डोंट हैव ए फ्रेंड, एक्चुअली क्या कि मेरे पास फ्रेंड था ही नहीं, है ना, गुड फ्रेंड तो छोड़ दीजिए, फ्रेंड था ही नहीं, रियल फ्रेंड था ही नहीं। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, आइए और आपको साफ साफ बताऊँ, सिंस नो वन विल बिलीव दैट ए 13-year-old गर्ल इज़ कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, क्योंकि इस दुनिया को पता नहीं चलेगा कि 13 साल की कोई लड़की अकेली हो सकती है, अच्छा क्यों है अकेली, आगे रीजन है, एंड आई एम नॉट, और नहीं है मेरे पास, मैं मतलब अकेली हूँ, आई हैव लविंग पेरेंट्स, हालांकि आई एम नॉट का मतलब यहाँ पर होगा कि ऐसा नहीं है कि फ्रेंड नहीं है, तो अब मतलब परिवार के लोग हैं, मतलब अलोन नहीं है, लेकिन फ्रेंड नहीं है कोई, आई हैव लविंग पेरेंट्स एंड 16-year-old सिस्टर, और हाँ मेरे पेरेंट्स है और एक 16 वर्ष की बहन है, यानी जब ये 13 की थी तो 16 वर्ष की, एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और हाँ 30 लोग हैं जिसे मैं फ्रेंड्स कह सकती हूँ, आई हैव ए फैमिली, है ना, पूरा परिवार है, लविंग आंट्स है यानी चाची बुआ जो भी है, एंड ए गुड होम, एक अच्छा सा घर है, लेकिन नो ऑन द सर्फेस आई सीम टू हैव एवरीथिंग, मतलब देखा जाए तो सब कुछ है एक्सेप्ट माई वन ट्रू फ्रेंड, यानी सब हैं लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं, एक रियल फ्रेंड नहीं, इसलिए तो डायरी में लिखना है, ऑल आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स इज हैविंग ए गुड टाइम, जब कभी भी मैं सोचती हूँ, है ना, कि अरे फ्रेंड्स के साथ होते तो रियली गुड टाइम होता, मतलब रियल फ्रेंड की बात हो रही है, आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरी थिंग्स, ऑर्डिनरी एवरीडे थिंग्स, मैं किसी खास चीज़ की ये नहीं करूँगा, बट ऑर्डिनरी सब कुछ, मतलब ये डायरी में जो मैं लिखूँगी वो सब कुछ, लगभग लगभग हर चीज़, ये नहीं कि कुछ खास, डायरी जनरली लोग क्या लिखते हैं, जो लोग डेली डायरी लिखते हैं उनका भी वही है, और जो बाद में लिखी मेन हाइलाइट्स को लिखते हैं, वी डोंट हैव सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम, हम किसी खास चीज़ के और क्लोज नहीं हो सकते और यही प्रॉब्लम है, मे बी इट इज़ माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड, हाँ हो सकता है कि मेरा दोस्त हो कि हम जो है कन्फाइड, कन्फाइड का मीनिंग दिया हुआ है टू टेल पर्सनल थिंग्स प्राइवेटली टू ए पर्सन दैट वन ट्रस्ट, है ना, कि आई डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, मतलब एक दूसरे से जो है हम पर्सनल थिंग्स को जो है प्राइवेटली, है ना, ट्रस्ट करके जो है शेयर करें, यानी डायरी से तो कर ही सकते हैं ना फिलहाल, तो फ्रेंड तो ऐसा है नहीं, फ्रेंड से ही हम कन्फाइड कर सकते हैं, इन एनी केस दैट इज़ जस्ट हाउ थिंग्स आर, है ना, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट लाइबल टू चेंज, और ये चीज़ें चेंज नहीं हो सकती, दिस इज़ वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, है ना, इसीलिए मैंने, मतलब कुल मिला के यही है कि कोई ऐसा फ्रेंड इंटीमेट होगा तभी तो उसके साथ, मतलब घनिष्ठ फ्रेंड होगा तभी तो उसके साथ कन्फाइड कर सकते, उसके साथ अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते, फिर छोटी बड़ी ऐसा फ्रेंड के साथ छोटी बड़ी सारी बातें करते हैं, कोई पर्टिकुलर नहीं, तो मैंने डायरी को ही मतलब मान लिया कि ये फ्रेंड है इसलिए, और इसलिए नहीं कि ये कोई भविष्य में कोई प्रिंट होगा, कोई मेरे में इंटरेस्ट, भैया भाई मैं एक सामान्य सी 13 साल की लड़की हूँ, भला कोई मेरे बारे में क्यों इंटरेस्टेड होगा, बस ये तो मैं जस्ट ये कि एज ए फ्रेंड इसको मैं चाहती हूँ, टू इन्हांस द इमेज ऑफ द लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, एंड आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, है ना, यानी टू इन्हांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, कि इसलिए ना इन्हांस करने के लिए, बढ़ाने के लिए इस लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड का, यानी कि वो जो मैं बहुत दिनों से सच्चे फ्रेंड का ही इंतजार कर रहा हूँ इन माय इमेजिनेशन, इसके लिए मैं जॉट डाउन नहीं करूँगा, जॉट डाउन मीन्स होता है यादगार के लिए, संक्षेप में लिखना है, जो डायरी लिखते हैं जॉट डाउन, फिर से बता दें, यादगार के लिए संक्षेप में लिखना, यानी शॉर्ट में लिखना फॉर मेमोरी, है ना, द फैक्ट्स इन द डायरी द वे मोस्ट पीपल डू, वैसा मैं नहीं करूँगी, बट आई वॉन्ट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं तो डायरी को अपना फ्रेंड बनाना चाहती हूँ, एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और हाँ याद रखिएगा मैं इसको किटी, तो ये नाम आप लोग भी याद रख लेंगे, ये डायरी को किटी कहती है, ठीक है, तो एज ए फ्रेंड ये, इसीलिए छोटी मोटी सारी बातें लिखेंगे, अदरवाइज डायरी का जो सिस्टम है कि भाई मेन हाईलाइट्स लिखेंगे वो वैसे नहीं लिखेगी।
तो ये नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक के बाद, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड ए वर्ड ऑफ माय स्टोरी इज टू किट्टी, है ना, शायद कोई मेरे शब्दों को नहीं समझेगा जो किट्टी को मैं स्टोरी कह रही हूँ, इफ़ आई वर टू प्लंज राइट इन, प्लंज मीन्स होता है कूदना, गोता लगाना, है ना, मतलब मैं जो ये गोता लगा रही हूँ अपनी कहानी लिखने में या जो भी है अपनी बातें लिखने में, शायद किट्टी को छोड़ के कोई और समझेगा। मैंने आई हैड बेटर प्रोवाइड ए ब्रीफ स्केच ऑफ माई लाइफ, हालांकि बेटर होगा कि मैं अपने लाइफ के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दूँ, मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, लेकिन ऐसा करना मैं डिसलाइक करती हूँ, ऐसा मुझे पसंद नहीं है, जनरली तो यही होता है। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, है ना, मेरे पिताजी जो कि मोस्ट एडोरेबल, एडोर मीन्स एकदम कहिए जिसको प्रार्थना करना, पूजा करना, है ना, बहुत ही मतलब प्रशंसनीय पिता हैं मेरे जो मैंने अभी तक देखा है, यानी और लोगों के पिता को भी देखा है, उनमें से मेरे बहुत अच्छे हैं, है ना, डिडेंट मैरी माई मदर अंटिल ही वॉज 36, और वह उन्होंने 36 वर्ष की उम्र में शादी की थी मेरी माँ से, एंड सी वॉज 25, और वो 25 वर्ष की थी। माई सिस्टर मार्गट, है ना, सिस्टर याद होगा, वो 16 ईयर्स की थी, वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, उसका जन्म 1926 में हुआ था, फ्रैंकफर्ट ये जगह का नाम है, प्लेस का नाम है, बॉर्न ऑन 12 जून 1929, देख लिए 26 में बहन है, 29 में ही है, 3 साल छोटी है, वो 16 की थी, ये 13 की थी अभी डायरी लिखते वक्त। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल आई वॉज 4, कि हाँ मैं भी जब 4 साल तक की थी तब तक वहाँ रहती थी। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, कि मेरे पिताजी जो है वो माइग्रेट करना, है ना, उसी से इमिग्रेटेड है, माइग्रेट करना मान लीजिए आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ से आप चले गए दिल्ली, है ना, या मुंबई, है ना, शिफ्ट हो गए वहाँ, तो उसको माइग्रेट करना कहेंगे। माई मदर माई फादर, अच्छा ये तो हो गया, माई मदर एडिथ हॉलैंडर, तो माँ का नाम एडिथ हॉलैंडर है, फ्रैंक, है ना, वेंट विद हिम टू हॉलैंड, माँ भी गई उनके साथ इन सितंबर, वाइल मार्गरेट एंड आई वर सेंट टू एसएन, है ना, टू स्टे विद आवर ग्रैंड मदर, अब ए से कैपिटल है तो ये एसएन आप समझ सकते हैं कोई इस प्लेस का नाम है, वहाँ पर ग्रैंड मदर के साथ हम लोगों को भेजा गया दोनों बहनों को। मार्गरेट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, हालांकि बाद में फिर मार्गरेट यानी सिस्टर जो है वो दिसंबर में हॉलैंड चली गई, एंड आई फॉलोड इन फेब्रुअरी, और मैं भी अलग ही गई, मैं फेब्रुअरी में गई। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन का मीनिंग आपको दिया हुआ है, एन इनफॉर्मल वर्ड है, पुट डाउन इन ए कैजुअल वे, है ना, कोई चीज़ रखना ऑन द टेबल एज ए बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गरेट, है ना, मतलब ऐसे समझ लीजिए कि मुझे ना टेबल पे रख दिया गया हो, है ना, बर्थडे प्रेजेंट की तरह, मतलब यानी कि जिस दिन उसका बर्थडे रहा होगा उसी दिन इसको ले जाया गया होगा वहाँ पर। आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेसरी नर्सरी, आज भी जो क्लास होता है नर्सरी स्कूल में, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, और 6 साल की जब तक थी, क्योंकि 6 ईयर्स के बाद ही क्लास 1 में जाते हैं, मॉन्टेसरी वही LKG UKG और जो भी है नर्सरी को मिला के कहते हैं, एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, है ना, जब उसके बाद फिर मैंने फर्स्ट फॉर्म किया, फर्स्ट फॉर्म वही पहला क्लास, इन द 6th फॉर्म माई टीचर वॉज मिसेज, यानी 6th फॉर्म समझ गए, यानी 6th क्लास में, है ना, वाज मिसेज क्यूपरस, है ना, ये मेरी शिक्षिका थी क्यूपरस, द हेड मिस्ट्रेस, अच्छा हेड मिस्ट्रेस थी, यानी प्रिंसिपल थी। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन टीयर्स एज वी सेड ए हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल, और हाँ उसके बाद जो है एंड 6th क्लास के बाद जो है हम दोनों के आँखों में आंसू थे, क्योंकि हमें वहाँ से फेयरवेल लेना पड़ा, विदाई लेना पड़ा, यानी कहीं और जाना था। इन द समर ऑफ 1941 ग्रैंडमा फेलिल, 1941 में दादी माँ जो है वो बीमार पड़ गई, एंड हैड टू हैव एन ऑपरेशन, और उनका ऑपरेशन करवाना पड़ा, सो माई बर्थडे पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, इसलिए मेरे बर्थडे में लिटिल सेलिब्रेशन हुआ, यानी न के बराबर सेलिब्रेशन हुआ। ग्रैंड माँ डाइड इन जनवरी 1942, जनवरी 1942 में दादी माँ गुजर गई। नो वन नोज हाउ ऑफ एन आई थिंक ऑफ हर एंड स्टिल लव हर, कोई नहीं जानता कि मैं आज भी उनके बारे में सोचती हूँ और उन्हें प्यार करती हूँ। दिस बर्थडे सेलिब्रेशन 1942 वाज इंटेंडेड टू मेक अप फॉर द अदर, एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लिट अलोंग विद द रेस्ट, है ना, ये ऐसा लगा जैसे कि, है ना, मेकअप फॉर द अदर, कि मतलब उस समय का जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था जो 1942 में, कहने का मतलब ये है कि इनका ये कहना था कि 1942 का जो था, यानी और भी एक आध साल का बर्थडे नहीं हुआ होगा तो उसको मेकअप करने के लिए था, लेकिन यहाँ पर तो दादी माँ का कैंडल ही जो है, ग्रैंड माज कैंडल जो है वो लिट था, जल रहा था बाकियों के साथ। द फोर ऑफ अस आर स्टिल डूइंग वेल, हालांकि बाकी जो 4 है यानी मम्मी पापा,
मैं और मेरी बहन, वो चारों अभी भी ठीक ठाक हैं। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942, यानी जून में फरवरी में इनका बर्थडे था, दादी भी गुजरी, लेकिन 20 जून 1942 तक सब कुछ ठीक ठाक है। एंड द सॉलेम डेडिकेशन ऑफ माई डायरी, और मैं जो है वो बड़ा ही डेडिकेशन के साथ अपनी डायरी में ये सब लिख रही हूँ, ठीक है। इसका कह लीजिए तो सीयर सेकेंड पार्ट था। डियरेस्ट किटी, डियरेस्ट किटी, अब किटी कौन है, याद होगा आपको, किटी कोई बिल्ली का नाम नहीं, यहाँ किटी वो डायरी को कहती है ना, यानी अपने डायरी को कहती है। आवर इंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बूट्स, है ना, क्वेकिंग इन इट्स बुक्स का मीनिंग आपके बुक में दिया हुआ है, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस, पूरा क्लास जो है नर्वस है, क्यों भाई। द रीजन ऑफ कोर्स इज द फोर्थ कमिंग मीटिंग इन द इन विच द टीचर्स डिसाइड हु विल मूव अप टू द नेक्स्ट फॉर्म एंड हु विल बी केप्ट बैक, क्योंकि सब लोग इसलिए नर्वस थे कि ये एक जैसे एग्जाम आज का होता है, संभवतः उस समय ये रहा होगा कि टीचर उस समय डिसाइड करते हैं कि कौन जो है मूव अप करेगा, मतलब आगे जाएगा, कौन जो है वो बैक करेगा, मतलब पिछले क्लास में या उसी क्लास में रह जाएगा। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास जो है वो शर्त लगा रहा है, जी एन एंड आई, है ना, जी एन कोई फ्रेंड उसका, है ना, एंड आई लाफ आवर सेल्फ सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस, है ना, ये जो है दो सिली बॉयज हैं उन पे हम लोग हंस रहे हैं। सी ए एन, अब ये भी किसी उसकी फ्रेंड का नाम है, एंड जक, है ना, जक्स पढ़ेंगे इसको या जक, हु हैव स्टेक्ड दियर इंटायर हॉलीडे सेविंग, स्टेक मतलब होता है दांव पर लगाना, यानी जैसे बेट लगाते हैं वैसे दांव पर लगा दिया था, पूरा इंटायर माने पूरा हॉलीडे सेविंग जो उन्होंने हॉलीडे में पैसे बचाए थे ऑन दियर बेट, मतलब सब बेट लगा रहे कि वो फलाना जाएगा अगले क्लास, फलाना नहीं जाएगा, फलाना जाएगा, फलाना नहीं जाएगा। फ्रॉम मॉर्निंग टू इवन नाइट, है ना, सुबह से लेकर शाम तक यू आर गोइंग टू पास, आई एम नॉट, यानी सब एक दूसरे से कहते हैं अरे यार तुम तो पास हो जाओगे, आई एम नॉट, अरे यू, यस यू आर, अरे नो आई एम नॉट, मतलब ये ऐसे करके सब बोलते, नहीं यार तू हो जाएगा तू, ऐसा अक्सर होता है, बच्चे लोग ये करते रहते हैं। अभी आप लोगों में भी हो सकता है, अभी बेट तो नहीं लगता होगा लेकिन ये होता है यार तेरा तो रिजल्ट अच्छा आ जाएगा, मेरा ही प्रिपरेशन है, अभी नहीं होगा, एग्जाम से एक दो महीने पहले होगा, है ना। इवन जीस, अब ये सब उसके फ्रेंड्स के नाम है, प्लीडिंग ग्लैंसेज एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, है ना, वो जो है प्लीडिंग, प्लीडिंग मतलब रिक्वेस्टिंग जो है ग्लैंसेज, और मैं मतलब गुस्सा यही इन्हीं बातों में हो गई थी। इफ यू आस्क मी, यदि तुम मुझसे पूछो, देयर आर सो मैनी डमीज, डमी मीन्स एक होता है जैसे मोबाइल की दुकान में आप जाते हो तो ओरिजिनल ना दिखा करके वो आपको डमी दिखाता है, लेकिन यहाँ डमीज माने मूर्ख व्यक्ति हो गया, है ना, कि बहुत सारे मूर्ख व्यक्ति है, दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, इतने मूर्ख है कि समझिए इस पूरे क्लास का ना लगभग एक क्वार्टर यानी एक चौथाई, मान लो कि 40 है तो 10 स्टूडेंट्स उसमें से जो है सो उनको बैक ही रखना चाहिए। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल क्रीचर्स ऑन द अर्थ, लेकिन ये कह रही है अपनी डायरी से बात कर रही है कि टीचर जो होते हैं वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो क्या करेंगे, एक्चुअली क्या है कि रिजल्ट का हमें क्यों इंतजार होता है, इसलिए इसका मानना है कि टीचर लोग मतलब कैसे कॉपी चेक करेंगे, क्या करेंगे, कोई पता नहीं चल पाता, तो इसलिए कहते हैं कि पूरे धरती पर जो है सबसे न गेस करने वाला अनप्रेडिक्टेबल क्रीचर टीचर होते हैं। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्ल फ्रेंड्स, अब गर्ल फ्रेंड्स यहाँ कोई लड़का नहीं थी, मतलब अपनी सहेलियाँ, यानी कहने का होता है हमारे दिमाग में गर्ल फ्रेंड्स या बॉय फ्रेंड्स कहते ही दूसरे मीनिंग आ जाते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। तो मैं अपने गर्ल फ्रेंड्स यानी अपनी सहेलियों के लिए उदास नहीं हूँ, वर चिंतित नहीं हूँ, एंड माई सेल्फ और अपने लिए, वी विल मेक इट, हम लोग तो कर ही लेंगे, यानी हमारे जो जो भी सहेलियाँ वो सब लोग ठीक है। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स, बस एक ही सब्जेक्ट मेरा श्योर नहीं है और वो मैथ्स, ऐसा माना जाता है कि प्राय जो गर्ल्स मैथ्स में वीक होती है। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट, बस हम कर भी क्या सकते हैं, मान लीजिए एग्जाम दे दिए सब कुछ हो गया तो फिर तो वेट ही कर सकते हैं। अनटिल देन वी केप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हार्ट, हाँ तब तक हम एक दूसरे से बस ये कहते हैं अरे अरे कोई बात नहीं, दिल उदास मत करना, लूज हार्ट मत करना, यही होता ही है। आई गेट अलॉन्ग प्रेटी वेल विद ऑल माई टीचर्स, और हाँ मैं तो अपने सभी टीचर्स के साथ अच्छे से रहती हूँ। देर आर 9 ऑफ देम, 7 मैन एंड 2 वुमेन, है ना, कुल 9 टीचर्स हैं जिसमें से कि 7 पुरुष हैं और 2 ही महिला हैं, पहले तो महिला बहुत कम होती भी थी, है ना। मिस्टर किसिंग नाम से ही क्लियर है। द ओल्ड फॉगी, फॉगी कौन है, लिखा हुआ है मीनिंग ओल्ड फैशन पर्सन, है ना, यानी किसिंग जो है वो पुराने फैशन वाले लोग हैं। मिस्टर किसिंग हु टीचेज मैथ, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, वाज एनवाइड विद मी, वो हमेशा मुझसे फॉर एजेज, एज एज मीन्स आप याद रखेंगे, एज मीन्स होता है युग, युग मीन्स वैसे हम लोग कहते हैं युगो युगो से, नहीं वो नहीं, मैथमेटिक्स में पढ़ना है 12 ईयर्स इज इक्वल टू 1 एज, है ना,
तो यहाँ पर है लेकिन फॉर एज मतलब युगों से वो मुझसे नाराज़ रहती है, मतलब इतना नाराज़ रहती है कह रहे हैं कि यानी हमेशा कोई नाराज़ रहे, तो उसको थोड़ा सा इसमें हाइपरबोल बना के बताया गया है कि वो युगों युगों से मुझसे मिस्टर किसिंग जो है नाराज़ रहते हैं बिकॉज आई टॉक्ड सो मच। और हाँ रीज़न क्या है कि मैं बहुत बात करती हूँ। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, बहुत सारे वार्निंग के बाद भी ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क, है ना, वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क भी देते हैं, एन एस्से ऑन द सब्जेक्ट। फिर जो है वो एक बार जो है वो एक सब्जेक्ट पे एस्से दिया। सब्जेक्ट क्या था? चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स का मतलब होता है मतलब वही चैट करना, बात करना। चैटर बॉक्स में चैटर बॉक्स व्हाट यू कैन राइट अबाउट दैट, भैया बात करने वाला बक्सा, इस पर आप क्या लिख सकते हो? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, है ना, बाद में मुझे उसके बारे में चिंता भी। आई डिसाइडेड, आई जॉटेड डाउन पिछले बार भी बताया, इसी में बताया मैंने पहले। जॉटेड डाउन का मतलब होता है यादगार के लिए संक्षेप में लिखना, कुछ नोट डाउन करना। द टाइटल इन माई नोटबुक, यानी मैंने लिखा नोटबुक में कौन, वही चैटर बॉक्स के बारे में। टक्ड इट इन माई बैग एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और बस कुछ नहीं, उसके बाद उसको कॉपी को कुछ नहीं किया, बस लेकर के सीधा जो है अपने बैग में रख लिए। कौन लिखा चैटर बॉक्स? वो तो खुद ही, एक्चुअली उसका मजाक उड़ाना था कि वे तो खुद ही चैटर बॉक्स थी। दैट इवनिंग, नेक्स्ट पर आया, दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, उस शाम को जब मैं सारा अपना होमवर्क फिनिश कर ली थी, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, तो उसका नोट जो है मेरी नज़र पड़ी, कॉट माई आई माने नज़र पड़ी। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैं उस सब्जेक्ट के बारे में सोचने लगी। वाइल चूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन यानी स्याही वाली कलम, उसका टिप ऐसे मुँह में रख के चबाने की बहुत सारे बच्चों को आदत होती है। एनी वन कुड रैमल ऑन, रैम्बल ऑन मंस होता है टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, है ना, कि बिना एम के बहुत देर तक यदि वो लिखे। एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स, है ना, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स मीन्स होता है स्टेटमेंट मेड इन सच ए मैनर दैट पीपुल बिलीव इट, कि मतलब इस तरीके से लिखे टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, नहीं समझे, इसको फिर से समझिए। एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेज बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब कभी कभी ये होता है ना कि आपको नहीं आ रहा होता है, तो आप लोग ऐसा नहीं करते कि बहुत सारा जगह छोड़ छोड़ के एक वर्ड से दूसरे वर्ड के बीच में बहुत गैप छोड़ देते ताकि जल्दी से पन्ना भर जाए, तो ऐसा। लेकिन सवाल है कि ये तो हम कर लेंगे, लेकिन उसके लिए कुछ कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट तो हो कि टॉकिंग जरूरी है, ऐसा कुछ हमें कोई आइडिया ही नहीं, यानी कि इसको एनी को नहीं आ रहा था। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचती रही एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, तभी मुझे एक आइडिया आया। आई रॉट द 3 pages मिस्टर किसिंग एंड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, 3 पन्ना मैंने लिखा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग, उसमें मैंने क्या चर्चा किया, क्या आर्ग्यू किया, क्या डिस्कशन किया, दैट टॉकिंग इज ए स्टूडेंट स्ट्रेट एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, कि टॉकिंग जो है तो वो एक नेचर होता है बच्चों का, हाँ, लेकिन ये है कि मैं उसे अपने कंट्रोल में रखूँगी। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज आई डिड इफ नॉट मोर, और हाँ लेकिन एक चीज़ है, इसका इलाज नहीं हो सकता, क्योर माई सेल्फ अपने आप का मतलब उपचार टोटल ट्रीटमेंट नहीं कर सकते इसका, क्यों? क्योंकि मैं इसलिए बोलती हूँ ना, मतलब ये अपना रीजन दे रही, क्योंकि मेरी मम्मी भी बहुत बोलती थी, है ना, हाँ उससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी। एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स, एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स मीन्स हो गया क्वालिटीज फिजिकल और मेंटल दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट्स, जो अपने पेरेंट्स से आते हैं यानी खानदानी याद आते हैं, तो ये मतलब मैं कैसे छोड़ दूँगी। मिस्टर किसिंग, है ना, मिस्टर किसिंग वही टीचर मैथ्स वाले, हैड ए गुड लाफ एट माई आर्ग्यूमेंट्स, वो बहुत हंसे उसको देख के, अच्छा ये बात है। बट वेन आई प्रोसीडेड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन ही असाइंड मी ए सेकेंड एसे, तो हंसे और फिर लेकिन नेक्स्ट डे फिर एक होमवर्क दिया, ऐसा ही कुछ असाइन कर दिया। दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल, इनकॉरिजिबल मतलब होता है समथिंग दैट कैन नॉट बी करेक्टेड ए बैड क्वालिटी, यानी जो ऐसे जो न सुधरने वाली आदत है, तो टॉपिक दिया वही एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स, पहले चैटर बॉक्स था कि न सुधरने वाला, क्योंकि अब तो वो बोल दी कि ये तो खानदानी है तो अब छूटेगा नहीं। आई हैंडेड इट इन, है ना, हैंडेड इट इन का मतलब समझ लीजिए कि मतलब जो है गिव्स इन मतलब तैयार हो गई, मतलब एंड मिस्टर किशिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 whole lessons, है ना, और अगले जो है सो 2 lessons में उनको कोई शिकायत का मौका मैंने नहीं दिया। हाउएवर ड्यूरिंग द 3rd lesson ही वुड फाइनली हैड इनफ, अब तो अब ज़्यादा हो गया। एनी फ्रैंक एज ए पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास, राइट एन एसे एंटाइटल क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स,
नहीं समझे, अब उसमें और उसको सजा दिया, क्वैक क्वैक, वो तो साउंड होता है बत्तख वगैरह की, डक वगैरह की, तो मतलब कि क्वैक क्वैक सेड मिस्ट्रेस है ना चैटर बॉक्स, ये मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स यानी यही इसी के बारे में, वो जो है क्वैक क्वैक की है ना, मतलब अजीब सा साउंड। द क्लास रोड, अब रोड मन दहाड़ना, दहाड़ना का मतलब समझे, मतलब यहाँ पर हंसी का दहाड़ना, आई हैड टू लाफ टू, मतलब पूरा क्लास हंसने लगा, मुझे भी हंसी आ गई। दो आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इंजीनिटी, इंजीनिटी मतलब होता है ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंटिवनेस ऑन द टॉपिक ऑफ द चैटर, मतलब बिल्कुल ओरिजिनलिटी मतलब कुछ नहीं था, इट वॉज टाइम टू कम अप विद समथिंग एल्स, ये समय था कुछ एल्स करने का, समथिंग ओरिजिनल, कुछ ओरिजिनल करने का। माई फ्रेंड सैनी हु इज या हु वॉज गुड एट पोएट्री, जो पोएट्री में अच्छी थी, ऑफर टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड, वो तैयार हो गई लिखने के लिए है ना, इन वर्स से, वर्स से मतलब होता है कविता के छंद में, कविता के जो दो दो लाइन का होता है छंदी है ना, हाँ। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं इससे खुश हो गई, जो सबसे डिफिकल्ट टॉपिक उसमें जो है सो वो लिखने को तैयार है। मिस्टर किसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले ए जोक ऑन मी, वो एक्चुअली मेरा मुझ पर जोक कर रहे थे विथ दिस रिडिक्यूलस सब्जेक्ट, रिडिक्यूलस मीन्स बेतुका, बेमतलब का, हास्यास्पद सब्जेक्ट पर, ये तो तय था ना, इसमें कोई लिखने का लिखवाने का उद्देश्य नहीं था, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वाज ऑन हिम, अब इस बार मैं ये श्योर कर रही थी कि नहीं ये जोक उन्हीं पर उल्टा फिट बैठे। आई फिनिश्ड माई पोएम, मैंने अपना फिनिश किया पोएम, पोएम इसने क्या फिनिश किया, मैंने बताया कि उसकी सहेली ने किया था, एंड इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत सुंदर था, इट वॉज अबाउट ए मदर डक, ये एक मदर डक के बारे में था, एंड ए फादर स्वान है ना, स्वान डक लगभग वही हुआ, डक बत्तख थोड़ा छोटा होता है, स्वान थोड़ा बड़ा होता है, विथ थ्री बेबी डकलिंग, जिसके तीन बच्चे थे, हु वर बिटन टू डेथ बाय द फादर, बिटन बाइट बीट जो होता है उससे यहाँ, लेकिन वहाँ बीट वाला वो नहीं है, ये बी आई टी बीट वाला है, दांत काटने वाला, मतलब उसको दांत काट करके मृत्यु हो गई फादर, बिकॉज दे क्वेक्ड टू मच, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वेक क्वेक कर रहे थे, देखिए बोले ना क्वेक उसी का साउंड है। लकली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे है ना, लकली जो है उसको राइट वे में ले लिया, मतलब सही सही में उनको यकीन हो गया। ही रेड द पोएम टू द क्लास, उन्होंने क्लास को पूरा पढ़ के सुनाया, एडिंग हिज ओन कमेंट्स, और हाँ पढ़ाते वक्त अपने भी किया, अच्छा ऐसे हैं तो ऐसे, हम लोग भी कुछ डिस्कशन करते तो कैसे मैं एग्जांपल कुछ देता रहता हूँ वैसे ही, एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल, और हाँ दूसरे क्लासेज में भी पढ़ाया। सिंस देन आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, तब से लेकिन मतलब इसको पॉजिटिव हो गया कि तब से, वो तो कविता तो उसकी सहेली लिख देते, लेकिन उनको इतना पसंद आया कि वो इस क्लास में पढ़ाए, बाकी जगह भी पढ़ाए है ना, और वो उन्हीं पर फिट बैठ भी रहा था, ये तो कही भी थी कि मेरा जोक उड़ा रहे, मैं उनका जो है सो जोक उड़ाऊंगी, और तब से लेकिन जो है बड़े प्रभावित हुए कि अच्छा इसमें टैलेंट है बच्ची में, कभी उसको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिए, ऑन कंट्रेरी बल्कि इसके विपरीत मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दिस डेज, हाँ बल्कि उल्टा है कि वो खुद जो है सो जोक्स बना रहे हैं आजकल। तो योर्स अनी, यही अनी ने लिखा है अपना डायरी में, ये नीचे देख सकते हैं, एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल विथ स्लाइट एडॉप्टेशन, थोड़े थोड़े चेंज के साथ, मैंने पहले भी बताया था कि ये तो पूरा नोवेल पढ़ना था पहले, अब तो चेंज हो गया, नोवेल है नहीं टेंथ में, नहीं तो आप लोगों को द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल और एक और जो है सो नोवेल पढ़ना था, तो अब वो बात नहीं, उसको इस चैप्टर के रूप में है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको निश्चित रूप से यह समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और हाँ जाते जाते लाइक बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल लास्ट, हैव अ नाइस डे।